समस्तीपुर बाराहाट थाना अंतर्गत दौलतपुर गांव में जमीन विवाद को लेकर सगे चाचा ने अपने 2 वर्षीय मासूम भतीजे की हत्या कर दी है। मृतक मनदीप कुमार की मां गायत्री देवी के अनुसार जमीन बंटवारा को लेकर भईसुर डब्लू राम के बीच कई वर्षों से जमीन बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा है। 10 दिन पहले भी इसने अपने सहयोगी के साथ मारपीट किया था और जान से मारने की धमकी तथा दुर्गा पूजा में बलिदानी देने की चेतावनी दी थी। मनदीप का पिता बाहर काम करता है और वो कई महीनों से घर नहीं आया है। घर में अकेली गायत्री देवी अपने बच्चों के साथ रहती है। घटना 21 अक्टूबर के दिन करीब 5 बजे शाम में गायत्री देवी घर के बगल के खेत में साग तोड़ रही थी, तभी उसके बेटे के चिल्लाने की आवाज आई। किसी खतरे की आशंका सेवा घर आई तो उसका बेटा घर पर नहीं था। आसपास खोज करने पर घर से महज 500 मीटर की दूरी पर धान खेत में मनदीप मृत मिला। घटनास्थल से कुछ ही दूरी पर उसका भाई सूर डब्लू यादव, गोतनी सुलेखा देवी, ससुर भाग मुनईराम, सहयोगी मदन राम और मोहम्मद इकबाल को जाते हुए देखा। आशंका है कि इसी सब ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। गायत्री देवी पुत्र के शव को लेकर इसीपुर बाराहाट थाना पहुंची और इन सबों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करवाया है। फिलहाल पुलिस शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दिया है और मामले की तहकीकात करने में जुट गई है। पीरपेंती से परशुराम शर्मा के साथ कलानंद शर्मा की रिपोर्ट। मैं प्रेम कुमार मंडल, अध्यक्ष फेयर प्राइस डीलर एसोसिएशन पीरपैती के तरफ से तमाम पीरपैती विधानसभा क्षेत्रवासियों को दुर्गा पूजा, काली पूजा, छठ पूजा की हार्दिक शुभकामना करता हूँ। दूध उत्पादक सहयोग समिति लिमिटेड भागलपुर बिमूल डायरी के चेयरमैन अशोक यादव उर्फ दरोगा यादव, सह मुखिया प्रतिनिधि ग्राम पंचायत सिरमतपुर गोपाली चक, मैं सभी देशवासियों को दुर्गा पूजा, दीपावली, छठ का हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रेस द बेल आइकन ऑन YouTube and never miss another update.